नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये हमारी देश की वो प्रमुख नदियां हैं जिनका अस्तित्व बहुत पुराना है और जिनके बारे में हम बहुत प्राचीन समय से जानते हैं। ये नदियां अपना अस्तित्व कहीं खो बैठी हैं। गंगा मैया के बारे में हमने सुना है, जमुना मैया के बारे में हमने सुना है, सरस्वती मैया के बारे में हमने सुना है, इलाहाबाद में तीनों का संगम देखने को मिलता है, लेकिन आज ये नदियां दूषित हैं। इन नदियों के लेकर आंदोलन कई वर्षों से चलता आया है, लेकिन कितना कामयाब हुआ वो हमें आज पता है। लेकिन उसी यमुना मैया की के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है। आप मेरे देख सकते हैं पीछे कि कितनी तादाद में, कितनी संख्या में जनसेला उमड़ चुका है यमुना बचाओ को लेकर। आप देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ दशहरा मैदान से शुरू हो चुका है और तब गंगा मैया कहते हुए, यमुना मैया कहते हुए इसे साफ सफाई के लिए एक आंदोलन में शुरू हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि कितनी तादाद में लोगों की संख्या आई है। ये तमाम लोग से, मथुरा से, राजस्थान से, किसान मोर्चा, तमाम फरीदाबाद निवासी सिर्फ एक ही मुहिम, एक ही नारे के साथ इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं कि जमुना को साफ किया जाए। तमाम दल इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित हो चुका था वो आंदोलन। लेकिन आज फिर एक बार आंदोलन शुरू किया गया है बल्लभगढ़ से दिल्ली संसद तक, जो कि आज बाटा मोड़ पर जाके ठहरेगा। आप मेरे ठीक देख सकते हैं कि लोगों को जनसैलाब है वो उमड़ चुका है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि लोगों का जो जनसैलाब है कितनी संख्या में है। एम्बुलेंस की गाड़ी व्यवस्था की गई है, तमाम प्रचार के लिए रथ तैयार किए गए, गाड़ियां तैयार की गई हैं, भजन कीर्तन का भी व्यवस्था की गई है। तमाम लोग जो नहीं पैदल यात्रा कर सकते हैं उनके लिए ट्रॉली का व्यवस्था की गई है, ट्रॉली में बैठ के उसको कर सकते हैं। आप मेरे साथ, मैं आपको लिए चलूंगा जो जहां पर लोग आगे जा चुके हैं उनके साथ हम। यमुना बचाओ की पदयात्रा में ये तमाम लोग आ चुके हैं और इस वक्त सेक्टर 12 के मोड़ पर विश्राम की स्थिति में बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? मथुरा से। मथुरा से पदयात्रा में आए हैं? पदयात्रा में। क्या है पदयात्रा, क्यों आए? पदयात्रा इसलिए कि अथनी कुंड से यमुना मुक्त कही जाए। सिर्फ यही है मुद्दा? हाँ। अगर ये और ये है कि जो ये दिल्ली की गंदगी है, हाँ, इनके लिए नाला बनाया जाए। हाँ। सिर्फ दिल्ली की गंदगी से जमुना मुक्त हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, आगे से पानी छूटेगा तो जमुना मुक्त हो जाएगी। आप बताइए। मथुरा से। मथुरा से, हाँ जी। क्यों आए हैं? जमुना के लिए, जमुना हथनी कुंड से लाने के लिए। सबका एक ही है कि जमुना को हथनी कुंड से मुक्ति कराना। अच्छा, हाँ। महिलाएं भी हैं, इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं? हम आज फरीदाबाद से आए, हनुमान नगर से। हाँ, पदयात्रा से यमुना मुक्त हो पाएगी प्रदूषण से? कोशिश तो जा रही है, मुक्त होना चाहिए। पदयात्रा से ही अगर जा रही होगा? हाँ, 2013 में भी तो पदयात्रा निकली थी। अब हम धरना देंगे ना, आंदोलन की तरह हम धरना देंगे तो पूरा होगा पदयात्रा हमारा। अब तो मोदी जी का राज है तो धरना पूरा होगा। अच्छा। मोदी जी गंगा के लिए सफाई अभियान शुरू कर दिए बनारस? तो गंगा के लिए तो जमुना के लिए भी मोदी जी करेंगे। जमुना के लिए नहीं किए, इसके लिए कब? नहीं तो उपाध्याय करेंगे ना, उनको दोनों बहन बहन है, दोनों की सफाई जरूरी है। बाद में संगम देखने को मिलता है। हाँ जी, गंगा जमुना सरस्वती, ठीक। लेकिन अगर हम जमुना की बात करें दिल्ली में और फरीदाबाद में तो वो स्थिति नहीं दिखती है, सिर्फ गंदगी दिखती है। तो उसी गंदगी को साफ करवाने के लिए तो निकाल रहे हैं यात्रा। इस गंदगी में हम भी तो भागीदार हैं। हाँ, बात तो सही है भैया जी, लेकिन बात को सुधार करवाएंगे। फिलहाल जमुना जी में जमुना जल ना मिल रहा हूँ। जब जमुना जी को जमुना जल आ जाएगा तो ये गंदगी साफ हो जाएगी। अभी तो ये गंदी नाला ही है, यमुना के रूप में हमें गंदा नाला मिल रहा है। अथनी कुंड पे जमुना जल बंद है, फाटक लगे हुए हैं, माँ के फाटक छूट जाएंगे। जमुना जी को जमुना जल जमुना जी में आ जाएगा तो जी गंदगी साफ हो जाएगी। इस गंदगी में आप लोग भी तो सार भी हैं। नहीं भैया, ये तो सरकार सहयोग करेगी तो सफाई होगी, मोदी जी दिया। सरकार जब सहयोग करेगी तब आप सहयोग करेंगे, उससे पहले हम तो कर ही रहे हैं अपना काम।
आप जिसे यात्रा से सहयोग होता है। और क्या होता भैया, हम यमुना को मुक्त कराने के लिए निकले हैं। हथनी कुंड में जो यमुना जी को बांध बना के रोक रखा गया है, वहाँ से मुक्त कराने के लिए निकले हैं। यमुना जी मुक्त होंगी तभी हमें स्वच्छ जल मिलेंगे और तभी हम स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे, वरना ऐसे मरते जा रहे हैं लोग कैंसर टीबी। सरकार जी से यमुना मुक्त हो जाए, हथनी हथनी कुंड में जो बांध बना रखा है वहाँ से जल को छोड़ा जाए, यमुना जी को मुक्त किया जाए, तभी किसानों को और घर परिवारों को शुद्ध जल मिलेगा, तभी लोग स्वस्थ रहेंगे। अंकल जी बोलना चाह रहे, बताइए। जिला प्रभारी जमुना रक्षक दल का दायित्व है, डॉक्टर राजवीर सिंह नाम है। हम यहाँ हथनी कुंड से जमुना जी को मुक्त कराने के लिए पैदल यात्रा के माध्यम से संसद तक कूच करेंगे। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान दिए, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। बताइए, 2013 में भी आप लोग गए थे? 2013 में गए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम ऊपर ड्रम बना करके और पानी इकट्ठा करके। 2013 में तो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की थी। अब यह है कि अब किसी कंडीशन में हम गद्दारी नहीं होने देंगे। आपसे वफादारी करेगी? हाँ, हो सकता है। उम्मीद तो यह है कि मोदी सरकार है का हमारे साथ वफादारी करेगी और हमको जल देगी। ताऊ जी भी हमारे साथ। ताऊ जी, हाँ जी, बताइए। पिछली सरकार कह रहे हैं कि गद्दारी की, मोदी सरकार वफादारी करेगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल करेगी, जब हम सब लोग इकट्ठे हैं तो क्यों नहीं करेगी। इकट्ठे हैं, हाँ। क्या लग रहा है, पद यात्रा से हो पाएगा? पद यात्रा से क्यों नहीं होगा, जब गंदा जल आ रहा है गंगा यमुना में, और जनता भयभीत है, बीमार चल रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, निरोग नहीं है। कहाँ से आए हैं? हम जिला एटा से आए। अच्छा, एटा से आए हैं, दूर से आए हैं यमुना को साफ कराने के लिए। पद यात्रा में है जी, अगर सिर्फ आश्वासन मिल जाए फिर से सरकार से, जी जी बिल्कुल वापस हो जाएंगे। सिर्फ आश्वासन पे ही आप कुछ ठोस लेके आएंगे इस बार? और क्या। आप कहाँ से आए हैं? हम मथुरा जखनगाम से आए भैया जी। मथुरा से आए हैं, वहाँ तो हमारी जमुना जी नहीं है, फिर भी आए हैं। हाँ जी, बताइए क्यों नहीं है? जमुना तो आर पार रहती चली जा रही है, वहाँ तक संगम तक जा रही है, क्यों नहीं है जी? बताइए, संगम इलाहाबाद में देखने को मिलता है। हाँ बताऊंगा, आप कह रहे थे कि जमुना जी पहले वही हो गई थी जहाँ तुम नाम ले रहे ना, हमारे ध्रुव में होली मधुबन है ना, पहले वहाँ उभर की थी, लेकिन आज उधर पीछे हट गई है। ये सारा ब्रज है जमुना मैया, ये उतार चढ़ाव है पानी की वजह से, पानी नहीं है अब, हे पानी रोक रखा है अतनी कुंड पर, हे इसलिए के लिए हमारा ये संकल्प, हम संघर्ष कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा आश्वासन पूरा होगा। उम्मीद है, उम्मीद है भैया। मथुरा वृंदावन विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनाना चाहती है ये सरकार। अगर ये सरकार तीर्थ स्थल बनाएगी तो नहाने धोने के लिए पानी शुद्ध चाहिए यमुना मैया का। अगर यमुना मैया का पानी शुद्ध नहीं है तो कैसे तीर्थयात्री तीर्थ स्थल में नहाएंगे जाके? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसे होगा? जब पानी नहीं होगा, पानी गंदा होगा, तो कैसे तीर्थ स्थल सही रहेगा? कैसे होगा मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे होगा कि ऐसे जो गंदे नाले आए इसका स्पेशल नाला बनाया जा, ये यमुना में नहीं डाला जा। ये सारी सीवर, सारे केमिकल, सारी गंदगी ये पूरी यमुना में डाल रखी है, ये गलत है, इससे हमारी सारी यमुना हो रही है। आप लोग भी तो इसके भागीदार हैं। हाँ हाँ, बता रहे हैं। हमको पहली बार में हमें आश्वासन मिला था कि दोनों तरफ से नाले बनेंगे और नालों में जो गंदा पानी है उसका जो फिल्टर करके उस नालों में दिया जाएगा और जमुना जी शुद्ध की जाए। बाबा जी भी कुछ कहिए। हम लोग 2013 में गए थे, उन्होंने झूठा आश्वासन दे दिया, उन्होंने झूठा आश्वासन दे दिया, अब तक काम पूरा नहीं हुआ, तो अब हम लोग दोबारा फिर जा रहे हैं हथनी कुंड से। जब तक जल नहीं खुलेगा, फाटक नहीं खुलेंगे, जल नहीं आएगा, जब तक यमुना जी का जल यमुना जी में नहीं आ रहा। ये तो दिल्ली के गंदे नालों का पानी है यमुना जी में जा रहा, खूब आप लोग खूब जानते हैं और खूब पता लगा लीजिए। और अगर यमुना जी का साफ पानी लाना है तो साइड से दोनों तरफ नाले बनाना पड़ेंगे, उसको खेतों में पानी देना पड़ेगा गंदा पानी, और जो साफ पानी आएगा यमुना जी का वो बीच से नदी से बहेगा, तब यमुना जी का पानी यात्रा से मुमकिन हो सकता है। भाई एक आवाज़ तो जाएगी ही, अगर धीरे धीरे आवाज़ जाती रही तो मुमकिन भी हो जाएगा, मुमकिन भी हो जाएगा। पदयात्रा लंबा समय लगता है इन सब में, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ समय नहीं लगना, लेकिन क्या है कि अगर उनको प्रोपोगंडा करवाना है तो हम लोग करेंगे और वो फिर उसके बाद लंबी समय तक चलते रहेंगे। और अगर वो चाहे तो ये काम बहुत बड़ा काम नहीं है, साल भर के अंदर पूरा काम हो सकता है। चलिए, नहीं लोकतंत्र में देश आज़ाद हुआ तो एक परंपरा अपनाई गई कि लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को जगाने के लिए, समस्या को हल करने के लिए एक आंदोलन किया जाएगा,
वही परंपरा आज तो चली आ रही है। देश को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, अंग्रेजों को भगाया था। तो ये सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए करोड़ों का जनजीवन खतरे में पड़ गया है, करोड़ों मौत के शिकार हो रहे हैं, एक पवित्र नदी को मार दिया गया, तो हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम पैदल शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री हमारी बात को सुने, और करोड़ों का जो जीवन खतरे में है, एक भारत की संस्कृति खत्म हो रही है, एक भारत की धार्मिक नदी खत्म हो रही है। राष्ट्रगान में जो तिरंगा है उसमें लिखा गया है कि बिंद हिमाचल जमुना गंगा उछल जल तिरंगा, वो हमारा राष्ट्रगान भी झूठा हो रहा है। अब सिर्फ गंगा जमुना तो है नहीं, तो जब 180 किलोमीटर नीचे ही जमुना का अस्तित्व खत्म हो गया, तो 1200 किलोमीटर नीचे इंसान रहता है, इंसानी बस्तियाँ सदियों से रहती आई है, जमुना जल का उपयोग करती रही है, लेकिन आज दुर्भाग्य से वो मलमूत्र कारखानों का जहर का सेवन कर रही है। आज़ादी के 65 साल बाद सरकार ने शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं किया, उल्टे जो प्राकृतिक नदियाँ उसमें जहर डालना शुरू किया, जिसको इंसान पीता है। ये न्याय नहीं, ये अन्याय है, अधर्म है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं न्याय के लिए और धर्म के लिए, धर्म के लिए कि कम से कम इंसान को साफ पानी मिले ताकि जिंदा रह सके। अब इंसान जिंदा नहीं रहने वाला है। हथनी कुंड बैराज हथनी कुंड बैराज जो बना है पब्लिक नहीं बनाई है, सरकार ने पूरे। आपने जो अभी सवाल किया ना, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक प्लांड वे में डेवलपमेंट बनाना। सीवेज तो निकलेगा, घरों से भी निकलेगा, इंडस्ट्री से भी निकलेगा, लेकिन उस सीवेज को प्रॉपरली ट्रीट करना, एसटीपीज लगाकर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को ट्रीट करना, ईटीपी लगाकर, ये तो सरकार का प्रशासन का काम है। हमने ये जो यात्रा निकाली है, एक ये जन चेतना यात्रा भी है। हम जन जन को भी ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय नदियों में किसी भी तरह का धार्मिक या अपना गृहस्थ का किसी भी तरह का कचरा आप उसमें ना डालें। संदेश भी दे रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में सरकार दूसरी है, केंद्र में सरकार दूसरी है, कहीं आपको घेरने का इरादा तो नहीं है? देखिए, ना हमारा आपको घेरने का इरादा है, ना बीजेपी को घेरने का इरादा है। इस आंदोलन में आप आम आदमी पार्टी के साथी भी हमारे सहयोगी हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि उनके सिर पे टोपियां नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनके यहाँ पे कमल नहीं है। इसमें कांग्रेस के भी हैं, उनका हाथ भी हमारे साथ है। इसमें इनेलो वालों की हरी पगड़ी भी हमारे साथ है। पानी सबको पीना है, पानी सबको पीना है। इसमें कोई राजनीतिक भेद नहीं है, और ना आप कोशिश करें हमारे बीच में राजनीतिक भेदभाव डालने। 2013 में भी आप गए थे? जी बिल्कुल गए। सरकार दूसरी थी, आश्वासन मिला, वापिस लौट गए, सरकार बदली, फिर जा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, नई सरकार आई है, और एक ऐसी सरकार आई है, ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिनकी तरफ पूरा विश्व देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हम तो उनसे निवेदन करने आए हैं कि आप अपने आप को गंगा पुत्र कह रहे हैं, सिर्फ आप गंगा यमुना पुत्र कहें। गंगा के साथ जो गंगा मंत्रालय बनाया है, आप उसको गंगा यमुना मंत्रालय बनाएं। आप जो गंगा के लिए बजट दे रहे हैं, आप उतना ही बजट यमुना के लिए भी दें। आप यमुना को साफ नहीं करेंगे तो त्रिवेणी जहाँ पे है, इलाहाबाद में जहाँ संगम है, वहाँ जाके गंगा फिर गंदी हो जाए, आप कहाँ तक साफ करें? स्वच्छ अभियान भी चलाए मोदी जी? बिल्कुल चलाए। क्या लग रहा है कि यमुना जी से अगर वो अभियान चलाते? देखिए, अभियान करा चलाना, प्रयास करना, यही सरकार का फर्ज है, यही हम आंदोलनकारियों का फर्ज है। इस बार कौन से मुद्दे आप लेके जा रहे हैं? देखिए, हमने तीन मुद्दे रखे हैं। बरसात के मौसम में जितनी पहाड़ में बारिश होती है और बरसात का पानी नदियों से बह के समुद्र में चला जाता है, आपने हथनी कुंड बैराज बना दिया, हरियाणा के 18 जिलों को पानी दे दिया, आपने दिल्ली में बैराज बना दिया, दिल्ली को पानी दे दिया, दिल्ली से नीचे और इलाहाबाद तक का जितना क्षेत्र है यहाँ पे कोई बैराज नहीं है। आप फरीदाबाद में एक बैराज बनाएं, एक पलवल में बनाएं, एक मथुरा में बनाएं, और बरसात के पानी को आप बैराज पे रोकें, जिससे ग्राउंड लेवल बढ़े और हमारे किसानों को उससे पानी मिले। संसद जा रहे हैं जी, लिखित में लेके आएंगे या फिर पिछली बार की तरह आश्वासन से? सिर्फ नहीं नहीं, सिर्फ लिखित में ही नहीं लाएंगे, जब ना जल लेके आएंगे। यमुना बचाओ का महाअभियान, महा आंदोलन बल्लभगढ़ से शुरू हो चुका है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष संदीप चाहर हैं, इनसे जानते हैं। संदीप जी, जी सबसे पहले मेरा ये सवाल ये है कि पदयात्रा शुरू हो चुकी है जी, और जो लोगों की संख्या देखने में मिल रही है जी, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि इस बार आप लिखित में सरकार से लेके आएंगे जी यमुना की सफाई के लिए। क्योंकि अब की बार जो यमुना मैया का, जैसे कांग्रेस सरकार ने सन 2013 में जो आश्वासन दिया था, वो
और लिखित रूप में दिया था, उससे जो है जनता का जो आक्रोश है, जो सरकार ने काम नहीं कराए और आक्रोश बढ़ गया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, जनता को इन पर बहुत सारी उम्मीदें हैं और यमुना भक्त बहुत सारी उम्मीदों के साथ दिल्ली की तरफ जो है कूच कर रहे हैं, संसद मार्ग की तरफ। और हमें नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो इन सब भक्तों का सुनवाई भी करेंगे और जमुना मैया की मुक्ति के लिए गंगा जी के साथ इसको मंत्रालय के साथ जोड़ के इसकी सफाई के लिए साथ दें। 15 मार्च जी रैली है, आंदोलन है जी यमुना की सफाई के लिए। बात करें हम यमुना की, तो सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली से होती है जी। दिल्ली संसद तक आप जाने वाले हैं, क्या लगता है दिल्ली में सरकार दूसरी है जी, क्या वो मतलब आपकी जो डिमांड है उनको पूरा करने में सक्षम हो पाए जी? दिल्ली से हमारे संत श्री जयकिशन दास जी के इस संसद में दिल्ली सरकार के जो उनके नुमाइंदे, उनसे बात भी हुई है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए आश्वासन उन्होंने भी दिया है कि आप केंद्र सरकार से अपनी बात रखिए और हम भी पूरा अपना सहयोग आपके साथ देंगे हमारी यमुना की मुक्ति और शुद्धि के लिए। हाँ। जी दूसरा सवाल मेरा ये है, आपका है कि जो हथनी कुंड बैराज है उसको छोड़ा जाए, क्योंकि जो दिल्ली की जो यमुना है 80% दिल्ली से प्रदूषित होती है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है, लेकिन हम बात करें जहाँ से आपने ये आंदोलन शुरुआत की, यहाँ का भी जो गंदा पानी है आगरा कैनाल में आता है, उसके लिए आपने ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन सौंपने जाएंगे डीसी को, क्या है वो इसके लिए? जो यहाँ पर देखिए मेन जो पानी जो दूषित आ रहा है वो वजीराबाद से लेकर और ओखला जो है ओखला तक दूषित पानी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ उन फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रियों का पानी जो है वो बहुत ही दूषित और केमिकल्स युक्त है। और हम लोगों को जो मिल रहा है फरीदाबाद पलवल और अपना जिला मेवात को जो पानी मिल रहा है, ये अपना यमुना मैया का जो पानी है वो दूषित पानी जो है दिल्ली का वो हमें मिल रहा है, ना कि हमें यमुना मैया का जो है एक बूंद भी जो है यमुना मैया का एक बूंद भी नहीं है उसके अंदर दिल्ली से। हथनीकुंड बैराज पर, हथनीकुंड बैराज के ऊपर जो वो लगे हुए बैरिक वो सिर्फ वहाँ पर सारा पानी हम लोगों का जो हमारे हिस्से का जो पानी है वो वहाँ पर कैद किया हुआ है। और तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से, कि जो वो पानी हमारे हिस्से का है वो हमें पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। और दिल्ली सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि जो वजीराबाद से लेके ओखला तक उसके पैलर नाला बनवाया जाए और वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, जिससे कि उनका जो दूषित पानी है वो ट्रीट करके और दोबारा उसको नालों के माध्यम से, जमुना जी यमुना जी जो है हमारी राष्ट्रीय नदियों में से एक है जी। मोदी जी गंगा जी के लिए सफाई अभियान बनारस में शुरू कर चुके हैं जी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं यमुना को अनदेखी कर दी, क्या लगता है कि केंद्र सरकार सिर्फ गंगा को ही प्रमुख मानती है? हम इस आंदोलन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को ये सूचित करना, चेतना देना चाह रहे, चेतना दे रहे हैं कि भाई आपने गंगा मैया के लिए तो किया, एज यमुना मैया को आप भूल गए हो, तो उनको याद दिलाने के लिए तो आंदोलन किया जा रहा है कि जी। संदीप जी हरियाणा में स्वच्छ अभियान भी चल रहा है, मोदी जी ने 1-2 अक्टूबर को पूरे भारत में स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की शुरुआत करी थी, उसी के तर्ज पे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1 नवम्बर को स्वच्छ अभियान यहाँ से भी स्टार्ट कर दिया था जी, क्या जी। लगता है उस स्वच्छ अभियान अगर वो यमुना से स्टार्ट करते हैं तो आज ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें? नरेंद्र मोदी जी ने भारत स्वच्छ अभियान जो चलाया था, हम ये चीज तो बताने जा रहे हैं कि भाई जो स्वच्छ भारत आपने अभियान जो चलाया है वो पूर्ण रूप से कहाँ हुआ है? क्योंकि जब हमारी नदियाँ हैं, जो हमारी मैं है, गंगा है, यमुना है, इस तरह की जो नदियाँ हैं, जब यही दूषित रहेंगी तो स्वच्छ भारत कहाँ हुआ जी? सवाल ये भी है कि जो यमुना है वो इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि आज उसका पानी पॉइजन है, पॉइजन जहर बन चुका है जी, जी, किसानों जी, के लिए खेती जी, करने के लिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इतना प्रदूषण हो चुका है उसको साफ करने में समय लगेगा, तो ऐसे में आप सरकार के समक्ष क्या रखेंगे कि कितना डे टाइम लेंगे आप? सरकार के समक्ष देखिए हम मानते हैं कोई भी काम किसी भी बजट के माध्यम से और टेंडरिंग के थ्रू वो किया जाता है, तो हमें जो सरकार है हम उससे निवेदन करेंगे कि हमें लिखित रूप में दिया जाए और 3-4 महीने के अंदर जो है उसका कार्य जो है शीघ्र टेंडरिंग के द्वारा उसको सुचारू रूप से किया जाए। बारह मार्च से 15 मार्च की पैदल यात्रा यमुना रक्षा दल के नेतृत्व में यमुना बचाओ को लेकर पदयात्रा शुरू हो चुकी है और 15 मार्च को दिल्ली संसद कूच करेगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि
ये जो मांगे लेकर सरकार के समक्ष जाएंगे, सरकार उस मांगों को कितना बारीकी से लेती है या फिर आश्वासन देकर इन्हें वापस लौटाती है। कैमरामैन संतोष के साथ धीरज मिश्रा, खबर 24 आवर्स।